बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा जो मूवेबल जो है इसके इस स्क्रू को थोड़ा लूज करेंगे और धागे को इसके अंदर लपेट के ऊपर से फिर टाइट कर देंगे। ऐसा करने के बाद फिर इसमें इस जॉ में भी जगह बनी होती है वहां पे ले जाकर और इसको ऐसे करना है। इधर ले आओ एजाज, थोड़ा एरो है ये, इधर ले आओ। सुन रहे हो? नहीं नहीं इधर से करो। हाँ इधर ही है, मैं इधर ही। नहीं इधर एरो लगा हुआ है ना, वो मुझे दिखाना है। लाओ इधर ये एरो से वाइट वाली लाइन को मैच करना है। ये वाइट लाइन नहीं दिख रही होगी बच्चों को, नहीं दिख रही होगी। इधर लाओ एक बार दिखाओ। ये वाली देखो बच्चों व्हाइट मार्क है इस जॉ के ऊपर और इसको इस एरो से मैच करना है। जब ये मैच हो जाए उसके बाद इस क्लैंप को भी टाइट कर देना है। आपने पहले 10 इंच पे इसको सेट कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल साइज है वो 10 इंच है, तो आपको इसको ना इस मूवेबल जॉ को, स्लाइडिंग जॉ है जो, उसको आपको 10 इंच पे फिक्स करना है इस स्केल पे देख के। उसके बाद सीजर से हमें इस धागे को जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है अगर सीजर है, क्योंकि तुम लोग बड़े कमजोर होगे नहीं तोड़ पाओगे, तो सीजर से ये कट जाएगा। उसके बाद इसको भी हमें जीरो पे सेट करना है। ये चीजें हर रीडिंग लेने के पहले आपको करना है। उसके बाद हमें पता चल गया था कि एस ट्विस्ट है, तो हमें इस जॉ को एंटी क्लॉक घुमाना है, जिसके लिए हमें इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। देखो ये नीचे एक काले रंग की प्लेट है, इसका बॉटम जो होता है व्हाइट होता है, तो हमारा चूंकि धागा व्हाइट है इसलिए ये दो कलर्स होते हैं। अगर आपके पास डार्क कलर का धागा है तो ये व्हाइट वाले साइड को ऊपर ले लेते हैं। इसको दिखाओ, इस प्लेट को दिखाओ नीचे से। ये नीचे से व्हाइट है और अभी चूंकि हमारा व्हाइट धागा है तो ब्लैक वाला भी ऊपर है। ऑब्वियस है ज्यादातर धागे व्हाइट में ही ट्विस्ट को ज्यादा ठीक से आप चेक कर पाएंगे, ब्लैक में नहीं दिख पाता है। बट ये दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास डार्क कलर का धागा है तो व्हाइट वाली प्लेट को ऊपर कर लेंगे। इसके ऊपर एक लेंस लगा हुआ है, ये लेंस इसलिए कि इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं हम। ऊपर से हम वॉच करते हैं और साथ में इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं। हमारा काउंटर भी देखो जीरो पे सेट है। अभी काउंटर जो है वो जीरो के ऊपर सेट है। तो यानी हम लोग अब रेडी हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब आप इसको घुमाते जाना है। वो सीजर दे देते ना, इसको काट ही देता मैं एक्स्ट्रा जो है। कोई नहीं, उतना चलेगा। बच्चे समझ नहीं रहे हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं, सीजर भी ऐसा है ना यार। समझ रहे सर, हमारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सैटरडे को भी हमारी अटेंडेंस शॉर्ट वाली बना के इसको मूव करते जाना है। इस प्लेट को सीधा रखना है, ऊपर से ऑब्जर्व करना है। देखो ट्विस्ट खुल रहा है, धागे अब जो इसमें पड़े हुए हैं वो तो करीब करीब सीधे होने वाले हैं। अभी थोड़ी बहुत ट्विस्ट है तो इसको हमें घुमाकर घुमाते जाना है। अब करीब करीब पैरेलल हो गए हैं धागे, आप देख सकते हो बच्चे, ये धागे दोनों पैरेलल हो गए हैं। पैरेलल होने का मतलब है ये दोनों धागे अलग हो सकते हैं। ऐसे मैं कोई भी पिन या कोई भी नुकीली चीज, ये दोनों धागे देखो अलग हो रहे हैं। इसमें और भी धागे हैं, तीन धागे हैं। ये एक धागा है, दो ही दिख रहे हैं, तो ये धागे अलग हो गए हैं। यानी जब पैरेलल हो गया है धागा तो आपको काउंटर रोक देना है
और ये रीडिंग नोट करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें जो सबसे पहले बिफोर अनट्विस्टिंग तो 10 इंच हमने लिया हुआ है, आफ्टर रीट्विस्टिंग ये है, आफ्टर अनट्विस्टिंग वो कितना हो गया, वो लेंथ भी हमें मेजर करनी है। तो ये स्पेसिमेन की लेंथ है। अभी देखो ये लेंथ ना बढ़ के थोड़ी, क्योंकि ट्विस्ट जैसे ही खुलेगा बच्चों तो धागे की लेंथ बढ़ जाती है, ये लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, वो लेंथ हमें मेजर करना है। तो ये जो व्हाइट वाली पॉइंट जो दिखा रहा था मैं, व्हाइट वाली जगह, इस जगह से लेना है लेंथ और वही स्केल रख के, तो ये करीब ना 10.4 के आसपास आ रहा है, 10.4 ये लेंथ आ रही है। तो आपको ना जो एल में तो 10 रहेगा, पी में रहेगा 10.4 और काउंटर रीडिंग जो है वो है 26। तो आपको आर अपॉन एल लेना है, आर मतलब काउंटर की रीडिंग कितनी है 26 डिवाइडेड बाय 10, टीपीआई हो गया आर अपॉन एल, यानी 26 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2.6। और दूसरी है ट्विस्ट टेकअप परसेंटेज, तो उसके लिए आपको P में से L की वैल्यू को माइनस करके P से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 नहीं गलत बोल दिया 10.4 माइनस 10 डिवाइडेड 10 बाय 10.4 इंटू 100, ये जो वैल्यू आएगी वो ट्विस्ट टेकअप हुआ। ट्विस्ट टेकअप मतलब कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई एक तारी ले लो, उसको जब ऐठोगे ना तो उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। तो टेकअप ये बताता है कि धागे के अंदर कितनी लेंथ है एक्चुअल में, ट्विस्ट से वो कम हो गई है। तो एक्चुअल लेंथ जो थी 10.4 थी, ट्विस्ट के वजह से उतनी कम हो गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, और इस तरह से आपको इसको करना है ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर जरूरी लग रहा है तो मैं बना देता हूं, बता देता हूं, ऐसी 5 रीडिंग लेनी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो फिर हम क्या करेंगे, धागे का एक फिर और सैंपल लेंगे, इस सैंपल को हटा देंगे और एक दूसरा सैंपल लेंगे, इसको यहां से ये स्क्रू को लूज करेंगे, धागा निकल जाएगा। एक दूसरा सैंपल लिया, फिर से वैसे ही क्लैंप किया, 10 इंच पे फिक्स है तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है दोबारा, बस चेक करना है कि कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, इसको टाइट कर देना है। फिर यहां से ले जाकर इसमें ये, और यहां पे एरो से मैच करके, एरो से मैच होना चाहिए दोनों, उसका पॉइंट ये निशान और एरो, फिर इसको टाइट करना है। उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद फिर एक गलती होने के चांस है, क्या इसको हमें जीरो पे सेट करना है। जीरो पे सेट हो गया, एस ट्विस्ट है, फिर वही एक्सपेरिमेंट, फिर वही रीडिंग, और ये रीडिंग हो सकता है थोड़ा बहुत बदल जाए और अलग अलग वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ट्विस्ट लेंथ में वैरी करते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ जगह पे अलग ट्विस्ट आए और कुछ जगह पे अलग आए। तो अलग अलग रीडिंग, इसलिए 5 रीडिंग लेनी होती है। फिर से हमने जीरो पे कर दिया, अब इसको फिर से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इस सीधा होने का, स्ट्रेट होने का हमें आइडिया तो लग गया है कि 26 के आसपास है, तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, अभी ये सीधा नहीं हुआ है। एक राउंड ये, अब ये सीधा दिख रहा है। अब इससे ज्यादा घुमा देंगे बच्चों तो उल्टे तरफ ट्विस्ट पड़ने लगेगा, वो हमें नहीं करना है। अब ये फिर सीधा हो गया है, ये दोनों धागे अलग अलग दिख रहे हैं, हम इसको अलग अलग करके देख सकते हैं और क्लियर लेंस में भी दिख रहा है। देखो ये दोनों धागे सीधे हो गए,
यानी ट्विस्ट हो गया है खत्म, यानी जो भी धागे में ट्विस्ट था हमने अनट्विस्ट करके देख लिया। अब रीडिंग आ रही है 31, तो हम फिर से पी में लिखेंगे 31, यानी फर्स्ट रीडिंग थी 26, सेकेंड में आ गई 31। ऐसे ही हम और तीन रीडिंग लेंगे तो टोटल हमारी रीडिंग आ जाएगी, और वो रीडिंग को हम लेकर फिर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना दे रहा हूं, उसको आप देख के नोट कर लेना।